तो आओ आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ इंटरनेट पर। ये वीडियो थोड़ा सीरियस है तो देख लो पहले एक बार। कैसे आयो रोजा पे से आयो तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? आपका इंस्टाग्राम वीडियो फेमस है। अच्छा तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किसने लेकर आया फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर खरीदा है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे तीन दिन से खाना ना खाता। अच्छा ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही है, आप खुश है? इतना पैसा हमके लिया के दिए, इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है बोलो। लो भाई, भाई को आईफोन दो। लो यार मम्मी को पसंद करे भाई फोन खरीद रहा। आईफोन ये है भाई, आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, सील खोलो। अब इस वीडियो में क्या हो रहा है बहुत से लोगों को समझ आ चुका होगा एंड बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा। इस वीडियो में क्या हुआ है चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये जो लड़का है जो आप इस वीडियो में देख रहे हो, इस लड़के ने अपने घर पे जिद करी कि इसको एक आईफोन लेना है, जो दुकान वाला बोल रहा है आईफोन लवर का पावर। गौर से देख, एप्पल है ये। इसने अपने घर पे अपनी मम्मी से जिद करी कि मेरे को आईफोन लेना है, उस चक्कर में तीन दिन तक अपने घर पे खाना नहीं खाया। इस जिद में उसकी माँ ने भी उसको देखा एंड उसको फाइनली जाके एक आईफोन दिला दिया। एंड ये आईफोन 60,000 रुपए का है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है इसमें क्या, ये लड़का कुछ नहीं करता, इसने सिर्फ जिद की थी अपने घर पे। एंड इसकी जो माँ है, देखो मैं किसी भी प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्टफुल नहीं करना चाहता इधर, इस लड़के की जो मम्मी है वो मंदिर में फूल बेचती है, ये एक मेहनत का काम है, ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं। ये लड़का कुछ नहीं करता, इसकी मम्मी मंदिर में फूल बेचती हैं और उन्होंने अपने हार्डवर्क से वो 60,000 रुपीस को बचाया होगा। इस लड़के ने अपने घर पे तीन दिन तक खाना नहीं खाया एंड आईफोन की जिद करी थी अपनी मम्मी से। एंड अब माता पिता तो होते, मतलब आजकल के तो जिद देख के दिला देते, हमारे होते तो बिल्कुल नहीं दिलाते भाई, तो चांटे और मार देते। इसकी मम्मी ने गलती करी इसको दिला के, इस जगह पे इसकी जिद को रोकना चाहिए था लेकिन इसको दिला दी। ये लड़का भी महान है, लाइक आईफोन के लिए इतना कौन करता है मुझे नहीं समझ आता वो एक, लेकिन क्या कह सकते हैं, मेंटेलिटी है। इसके दोस्तों होंगे एंड आई थिंक इसके दोस्तों ने बोला हो कि आईफोन ले उससे वीडियो अच्छी बनती है। एंड इस बंदे ने, मुझे यहाँ तक लगता है ये आईफोन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए लिया और इसको आईफोन के यूजेस तक नहीं पता होंगे कि आईफोन से ये क्या क्या कर सकता है। लेकिन इसकी मम्मी ने भी गलती करी, इसको ये फोन नहीं दिलाना चाहिए था। चाहे बच्चे जितनी भी जिद करें, तीन दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या दिला देंगे यार, नहीं दिलाना चाहिए था। क्योंकि ये देखना 100% इस चीज से भी बोर होने वाला है एंड ये इससे भी कुछ नहीं कर पाएगा करने वाले। अब में से कुछ लोगों के लिए 60,000 रुपए बहुत छोटी रकम होगी, शायद किसी की एक महीने की सैलरी हो, किसी की एक दिन की अर्निंग हो इतनी। लेकिन जो इसकी मम्मी काम करती थी, फूल बेचती थी मंदिर के पास में, वो एक मेहनत का काम है, उन्होंने उस पैसे को मेहनत से जोड़ा हुआ। हर कोई इतना अच्छा नहीं कमा पा रहा है, हर कोई की सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, हर कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा, तो वो उनके खून पसीने की कमाई थी जो इस बच्चे ने उड़ा दी एक तरीके से। क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसको कुछ करना आता होगा, ये आईफोन लेके भी बुरी तरीके से फेल होने वाला है फिलहाल, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं। क्योंकि जो करने वाले बंदे होते हैं वो किसी भी चीज से कर जाते हैं, लाइक एक सिंपल फोन भी होता ना तो वो आराम से, अगर उसे सच में कोई भी कंटेंट बनाना होता तो वो आराम से इस चीज को कर लेता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे ये दुकानदार बोले देख रहे हैं आईफोन लवर का पावर, हम सभी देख रहे हैं भाई आईफोन लवर का पावर, कितने सारे छपरियों को देख चुके हैं आईफोन लेते हुए। आईफोन मतलब एप्पल के आईफोन की ही रेपुटेशन डाउन कर दिया इंडिया में, अब इस तरीके की रेपुटेशन हो चुकी है। बच्चे अपने घर पे तीन तीन दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं सिर्फ एक आईफोन के चक्कर में, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इस बच्चे का, इसको इतना नहीं करना चाहिए था यार। अगर तुम कंटेंट बना सकते हो, देखो अब मैं यहाँ फ्लैक्स तो मार ही नहीं सकता भाई, मेरे पास फ्लैक्स मारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने सेटअप का एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि मैं किस जगह पर काम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनाने का शौक है बस। मुझे ये नहीं है कि मेरे को एक तगड़े इक्विपमेंट चाहिए, मेरे पास सारी चीज़ें, मेरे पास बेसिक चीज़ें, मेरे पास मेरा माइक है, मेरे पास मेरा ट्राइपॉड है जो मैंने पैसे जोड़ कर लिया था, खुद के पैसों से लिया था। लेकिन अगर ये बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इन फ्यूचर कभी देखे, तो मेरे भाई मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो फोन अब तुम्हारे पास है वो बहुत पावरफुल है, उससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है एंड आई थिंक तुम्हारे अंदर भी पोटेंशियल बहुत है, उसको सही जगह पे यूज करना, चीजों को सीखना एंड हो सके अपनी मम्मी को ये पैसे वापस करने की कोशिश करना जल्द से जल्द कमा के। इंस्टाग्राम से कमाओ, यूट्यूब से कमाओ, सीखो चीजों को, जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा कर पाओगे। एंड ऐसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जिद मत करना इन फ्यूचर। इसने और इसकी मम्मी ने गलती तो कर दी, लेकिन आई थिंक ये फ्यूचर में कुछ अच्छा करे उस फ़ोन को लेके। भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ भी अच्छा करना,
आपकी माताजी बहुत अच्छी हैं, आपकी मम्मी ने आपकी इच्छा हाल के साल पूरी कर दी। मतलब हम सबके माता पिता अच्छे होते हैं, लेकिन आपकी ने तो आपकी इच्छा हाल पूरी कर दी, आपकी एक जिद देख के आपकी इच्छा पूरी कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। 60,000 रुपये छोटी मोटी रकम नहीं होती, अगर आप कमाओगे तो आपको पता लगेगा कि 60,000 रुपये कितनी बड़ी रकम है। लेकिन जब बच्चा भी अभी 20 साल के नीचे है, इसको कोई भी अंदाज़ा नहीं कि इसने क्या कितनी इसको भी कोई अंदाजा नहीं है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी जिद करके, इसको नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे वीडियोस को देख के बिल्कुल भी इंस्पायर मत होना, क्योंकि ये कुछ भी सही नहीं कर रहा है। इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ें लेनी है, आप खुद पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको ऑलरेडी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। कि जितनी भी इच्छा है अपनी लाइफ में आप मेहनत करें और उन चीज़ों को अचीव करें, बस कभी जिद ना करें अपने माँ बाप से, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं।